हुआ है कि उन्हें सरकार ने सरकार करना अब हम भक्तों की महानगर यदि आप देखेंगे कार्पोरेशन के माध्यम से हमने बनाया है और निश्चित उर्दू होता है जो उर्दू में प्रेम करता है। अतुल सारे साहब दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ बागोर की बहुत सारी जमीनें हैं चूंकि आप उसका मंत्रालय संभालते हैं श्याम कटे साहब आप उसके सेक्रेटरी हैं उस डिपार्टमेंट के बागोर की जमीन के ऊपर अतुल सारे साहब मैं भी पत्रकार था इसी शहर से अपनी पत्रकारिता शुरू की थी 12 साल मैं पत्रकार था और जिन पत्रकारों के साथ मैंने काम किया था आज वही जिंदगी जी रहे हैं जो कई साल पहले जीते थे 25 साल पहले जो उनकी जिंदगी थी श्याम कटे साहब आपकी जमीनों के ऊपर न जाने कितने लोगों ने वो जमीनों को हड़प करके बैठे थे लेकिन मैं चाहूंगा कि मेरी वो बिरादरी जिन्होंने खास तौर से उर्दू पत्रकार जो आज उर्दू को जिंदा रखे हुए हैं एक जमीन का छोटा सा टुकड़ा उनके लिए भी दे दीजिएगा हम वहां पर उनके लिए रेसिडेंशियल अकोमोडेशन के लिए हम कोशिश करना चाहते हैं आपसे जमीन दीजिए आप कहेंगे कि हमारे पास फंड नहीं है आपसे जमीन दे दीजिएगा हम समझते हैं कि बहुत अच्छा सा काम वहां पर हो जाएगा और दूसरी बात यह है अतुल भाई और श्याम कटे साहब जालना रोड के ऊपर कैलाश पेट्रोल पंप के ऊपर एक आलीशान शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन रहा है वो वक्त की जमीन के ऊपर बन रहा है और उसी वक्त की जमीन के ऊपर जिन लोगों ने वो आलीशान कॉम्प्लेक्स बनाया है 1.5 करोड़ रुपए में वो दुकानें बेच रहे हैं और उसी कॉम्प्लेक्स के सामने ऑटो रिक्शा चलाया जा रहा है उसी जमीन के सामने मेरा मुसलमान भाई वहां पर पकौड़े तल रहा है वहां पर भजिए तल रहा है और जो लोगों ने गैर कानूनी तरीके से उस वक्त की जमीन के ऊपर एक कॉम्प्लेक्स बनाया है 1.5 करोड़ रुपए में एक दुकान बेची जा रही है श्याम कटे साहब आज हमारे पास सियासी ताकत है हम चाहेंगे कि उनके ऊपर कार्रवाई करें अगर जमीन आपकी है तो वो सिर्फ वक्फ के तहत इस्तेमाल होनी चाहिए 1.5 करोड़ रुपए में उसकी दुकानें बेची नहीं जानी चाहिए।